Hello and welcome to my channel. Today I am going to tell you about BMW 5 series review. So let's go. आज मैं आपको 5 series के बारे में बताने वाला हूँ. तो without any further ado, let's get started. आज मैं आपको BMW 520D luxury line variant के बारे में detailed walk around और review बताने वाला हूँ. So let's start with the bonnet. The bonnet has the lines and creases. जो bonnet है वो पिछले outgoing model से बहुत ही ज़्यादा stylish है. और ये बहुत ही ज़्यादा 2020 का टेकी लुक दिखता है. सो लेट्स गेट टू द डाउन पोर्शन ऑफ द किडनी ग्रिल. किडनी ग्रिल इज मेंट टू रिप्रेजेंट योर किडनीज, वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट. द जोक्स अपार्ट, द हेडलाइट्स आर गुड. द इस BMW में आपको बायजेनॉन हेडलाइट्स नहीं देखने को मिलते, वो बजट क्राइटेरियाज के कार में देखने को मिलेंगे. इस गाड़ी में आपको लेजर लाइट की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी. अगर आपको टेक्नोलॉजी लेजर लाइट की देखनी हो तो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. इस गाड़ी के जो ग्रिल्स है वो 50% ऑटोमेटिक है. इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट बना सकते हो. बाय कूलिंग द इंजन ऑफ द कार यू कैन मेक द कार मोर इफिशियंट एंड लुक मोर स्टाइलिश. इट इज़ ऑटोमेटेड बाय द वे, नॉट इन योर हैंड बट द BMW's ओन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको अराउंड 150 mm तक देखने को मिल सकता है. और इसमें अडॉप्टिव सस्पेंशन है. फॉरेन मार्केट्स की तरह इंडिया में आपको एयर सस्पेंशन इस गाड़ी में नहीं मिलेगा. इस गाड़ी में आपको 18 इंच व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा. अगर आप 520D लग्जरी लाइन एकदम बेस वेरिएंट लोगे तो आपको 17 इंचेस के व्हील्स भी मिलेंगे. और 18 इंच व्हील्स में आपको हाई प्रोफाइल टायर्स भी मिलेंगे और डिस्क वो भी अराउंड 11.5 इंच तक आपको मिल सकती है. ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा टेक फिस्ट और बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखने वाली गाड़ी लगती है. अगर ये गाड़ी स्टैंड स्टिल भी हो तो ये लगती है कि 150 की ये जाती होगी. मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी वंडरिंग व्हाई. सो चलिए इन द साइड पार्ट ऑफ द कार. द साइड पार्ट जो इस गाड़ी का है उसमें आपको 3 से 4 क्रीसेस मिलेंगे. वो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है. एरोडायनेमिक अगर एक गाड़ी में ये ऐसे कंपोनेंट्स लगे हों तो ये गाड़ी ड्रैग रिड्यूस करने में सक्षम हो जाती है. और ज़्यादा ड्रैग पैदा करने से गाड़ी के माइलेज में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है. बट एरोडायनेमिक का दैट्स द अदर वे अराउंड. इस गाड़ी में आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगे. और इस गाड़ी का जो बूट स्पेस वो इज अराउंड क्लोज टू 530 लीटर. वो बहुत बड़ा बूट है जिसमें आप अपना कोई भी रीजनेबल सामान 4 लोगों के हिसाब से रख सकते हैं. और जर्मन गाड़ी की तरफ बिकॉज BMW जर्मन ब्रांड व्यू गेट अ फर्स्ट एड किट आपको गाड़ी में मिल जाता है. अगर किसी को चोट वगैरह लग गए, वुडिंग वगैरह हो गया तो इट इज़ वेरी यूजफुल. सो इन द कार लाइक दिस इट्स अ वेरी गुड फीचर फॉर द सेफ्टी एज वेल. यू गेट अ स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाता है पर वो 17 इंच विथ हाई प्रोफाइल टायर वाला होगा. सो कंसिडर दैट. ये जो गाड़ी का बूट लिट है वो आपको एक सेडान की तरह ही मिलेगा. नहीं तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि ऑक्टेविया जैसा हैशबैक मिलेगा, वो नहीं होगा, या 3 सीरीज जैसा. बट That's not the case in this car. This car is meant to rival the executive sedan class executive, by the way. So now let's get into the interior. गाड़ी के आज के आपको मैं features और specifications बताऊंगा. So let's get to the AC vents and the knobs of it. अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है वो सबसे ये खेलता रहता है और बहुत ही ज़्यादा rudely गाड़ी से behave करता है, so don't worry. इस गाड़ी के जो switches है और knobs है वो बहुत ही ज़्यादा स्टडीली और sheer quality के होते हैं और ये आसानी से गिरने वाले नहीं हैं. सो यू कैन लस लेट द किड प्ले विथ इट. इस गाड़ी में आपको डिजिटल इंफोटेनमेंट क्लस्टर मिलने को. आई मीन इफ यू वांट दैट यू गेट. निराशाजनक भावना बिल्कुल भी नहीं, एकदम पॉजिटिव वे में इस गाड़ी ने आपको बहुत ही ज़्यादा आपका मूड चेंज कर सकती है. बाय द ड्राइविंग प्लेजर बाय द वे यू गेट द स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट प्लस मोड एंड द कंफर्ट मोड. जब आप इस गाड़ी को स्पोर्ट प्लस मोड में डालते हैं सडनली एवरीथिंग चेंजेस विद द सस्पेंशन, द ड्राइविंग डायनामिक्स एंड एवरीथिंग एंड योर मूड. बाय द वे यू गेट अ स्माइल, आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आती है. और ड्राइविंग जब आप करते हैं स्पोर्ट्स प्लस मोड में माइलेज तो कम ही आता है बिकॉज यू आर ड्राइविंग वेरी एग्रेसिवली एंड द ड्राइविंग इज वेरी मच लाइक अ गैंगस्टर.
बाय द वे, अगर पावर की बात ही हो रही है तो लेट मी टेल यू द स्पेक्स। द इस गाड़ी में आपको अराउंड 190 HP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर आपको मिलेगा, 190 HP और अराउंड 450 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा आपको। और अगर हम बात करते हैं 530D M स्पोर्ट वर्जन के बारे में, जो बाय द वे टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें आपका अराउंड 250 BHP ऑफ पावर और अराउंड 520 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। सो अगर आप ड्राइविंग के बहुत बड़े शौकीन हैं, सो कंसिडर फॉर द 530D M स्पोर्ट वेरियंट। सो मैं आपको आप रियर सीट्स में लेके जाऊंगा। रियर सीट्स ऑफ दिस कार आर कंफर्टेबल विद ड्राइविंग डायनामिक। द ड्राइवर हैज अ वेरी मच पॉजिटिव साइड ऑन दिस कार। लाइक द मर्सिडीज ई क्लास, द कंफर्ट इज फोकस मेजर फोकस ऑफ द कार। लाइक इन दिस BMW, इट्स द शेयर ड्राइविंग प्लेजर विच यू वॉन्ट एंड द बायर्स कंज्यूम। इस गाड़ी में आपको दो रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स मिलेंगे, बट वो सिर्फ और सिर्फ 530D M Sport और 530i वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। 530D M Sport में आपको सीट्स का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा विद द क्विल्टिंग एंड द नापा लेदर। मैन, इट्स अ वेरी गॉर्जियस थिंग। With the BMW's iDrive, you can connect your Apple phone or your Android Apple CarPlay and the Android Auto, by the way, if you want to know the technical names. इस गाड़ी में आपको 3 से 4 sunshades मिलेंगे, so don't worry, the sun is not going to enter in your car. के जो सीट्स है वो 60-40 या 40-20-40 में स्प्लिट होंगे। जो 20 वाला पार्ट रहता है मिडल वाला, वो आप गाड़ी चलाते वक्त भी डाउन कर सकते हैं, और सपोज आपको स्कीज वगैरह लोड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो कार है वो एग्जीक्यूटिव सेडान इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको ड्राइवर चाहिए इस गाड़ी के साथ, तो निराशाजनक भावना आपकी रहेगी। सो नेवर कंसिडर अ कार लाइक दिस टू बी शोफर ड्रिवन, बिकॉज अ शोफर विल हैव अ पॉजिटिव साइड और आपको बहुत ही ज़्यादा गड्ढों को झेलना पड़ सकता है, बट नॉट दैट बिकॉज ऑफ BMW's न्यू अडैप्टिव सस्पेंशन। सो दैट्स अ रैप अप फॉर टुडे। जाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने मेरी लैंग्वेज हिंदी को स्विच कर दिया इंग्लिश से। सो वेल, इंडिया में जो बहुत सारे कंज्यूमर्स है, अराउंड 80% ऑफ देम वॉच इन हिंदी में ही वो देखना प्रेफर करते हैं। सो आई लाइक टू शो एंड टेल यू इन हिंदी। सो इफ यू वॉन्ट टू मी टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन, बट हिंदी में आपको लिसनिंग में बेहतर रहेगा, बट इंग्लिश इज माई पॉजिटिव वे, पॉजिटिव मेरे लिए इंग्लिश है। मुझे आपसे एक विनती करनी है, इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान आप घर से बहुत ही मिनिमलिस्ट या बहुत ही ज़्यादा कम वक्त बाहर जाइए और बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रिकॉशन कीजिए। इस लॉकडाउन के दौरान आप BMW 5 सीरीज को बाय नहीं कर सकते हैं, पर थोड़े दिनों बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप बाय करेंगे। बाय द टॉपिक ऑफ बाइंग, लेट्स गेट टू द प्राइस ऑफ दिस कार। ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है अराउंड 55 lakhs एंड जो टॉप मॉडल रहता है वो 530D M Sport वाला डीजल इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 68 lakhs। 520D M जो लग्जरी लाइन रहती है वो अराउंड 55 lakhs एक शोरूम तक आपको कॉस्ट करेगी। सो दैट्स द रैप अप फॉर टुडे। तो वीडियो हैज बीन एंडेड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।